Welcome to Exam Shiksha. Please subscribe and press the bell icon. Hello दोस्तों, welcome to Exam Shiksha. आज हम discuss करेंगे the Hindu analysis. आज है date 28 November 2019. हमारे पास बहुत सारी आज news है discuss करने के लिए. तो प्लीज़ लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा. तो हम स्टार्ट करते हैं. जैसा कि इलेक्शन हम बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में अभी भी गवर्नमेंट नहीं बनी थी, तो अजीत पवार जी ने सपोर्ट कर दिया था फडणवीस जी को, तो इनके परिवार में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, लेकिन अजीत पवार जी अब वापस आ गए हैं. ये पहले पेज पर देखिए, सुप्रिया सुले जी हैं अपने भाई अजीत पवार जी के साथ. तो हम पेज वन पे डिस्कस करते हैं. पहली जो न्यूज़ है वो है इंडिया कार्टोसेट 3+ एंड 30 नैनो सैटेलाइट्स पुट इन ऑर्बिट. इंडिया ने, हमारा जो इसरो है उसने कार्टोसेट 3 को लॉन्च कर दिया कल, कि 13 नैनो सैटेलाइट हैं उसमें, और जो दो उसमें दो हैं वो यूएस के भी हैं. प्लेसेस द शार्पेस्ट आई. शार्पेस्ट आई मतलब इसलिए शार्पेस्ट आई से कहा गया है क्योंकि हाई रेजोल्यूशन है. कितने 25 सेंटीमीटर तक, 590 किलोमीटर तक ये रेजोल्यूशन जूम कर सकता है. ठीक है, और कौन सी व्हीकल में गया है, PSLV C-47. कहाँ से लिफ्ट किया है, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरि कोटा आंध्र प्रदेश में है ये. ठीक है, अब इसका थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं. हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग सैटेलाइट दैट विल हेल्प लार्ज स्केल अर्बन प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कोस्टल लैंड यूज एंड ऑल्सो फॉर मिलिट्री पर्पज. इसका काम क्या होगा, ये यूज कहाँ काम आएगा, मिलिट्री पर्पज के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, लैंड कोस्टल में जो प्रॉब्लम होती है उसको डेवलप करने के लिए, अर्बन प्लानिंग को डिस्कस करने, अर्बन प्लानिंग को डेवलप करने के लिए. ठीक है, कौन सा 74 लॉन्च व्हीकल मिशन है SDSC जो श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ है. ठीक है, 9th सैटेलाइट है कार्टोसेट सीरीज का, ये इंपॉर्टेंट है याद करते जाइएगा. 49th फ्लाइट ऑफ PSLV है. ठीक है, ये व्हीकल है, 49th व्हीकल है, और 5th लॉन्च बाय इसरो इन 2019 में इसरो ने पांचवा ये लॉन्च किया है, इससे पहले चंद्रयान 2 किया था. ठीक है, 21st फ्लाइट ऑफ PSLV इन XL कॉन्फ़िगरेशन, मतलब बहुत वेट है इसका, इसलिए 21st फ्लाइट है PSLV की XL कॉन्फ़िगरेशन में. ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं. SPG बिल पास्ड इन लोकसभा. स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो बिल का है वो पास हो चुका है लोकसभा में. इसके अंडर क्या है, फॉर्मर PM जो हमारे पुराने पूर्व प्रधानमंत्री हैं और उनकी इमीडिएट फैमिली को ये प्रोटेक्शन देगा 5 साल के लिए, और प्रोवाइड सिक्योरिटी टू जो हमारे ये अभी जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हैं उनको मिलेगा, और जो हमारे पूर्व रह चुके हैं उनको भी मिलेगा 5 साल के लिए. ठीक है, जो कांग्रेस प्रेसिडेंट हमारी सोनिया गांधी जी, उनकी सिक्योरिटी SPG से कवर से हटाकर अब Z+ कर दी गई है. ठीक है, पेज 2 पे है न्यूज. कर्मवीर महारत्ना अवार्ड फॉर सीनियर. ठीक है, फाउंडर, ये फाउंडर एंड एडिटर हैं इन चीफ ऑफ डाटा लीड्स के. ठीक है, ऑनर्ड विद प्रेस्टिजियस कर्मवीर महारत्ना अवार्ड. कौन देता है, इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, जो यूनाइटेड नेशन के नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बॉडी है. ठीक है, पेज 9 का. ऑस्ट्रेलिया जो है हमारा, वो 3 जो मूर्तियां हैं वो इंडिया को वापस देगा जनवरी में. क्या क्या, अब थोड़ा मूर्ति के बारे में देख लेते हैं. ए पेयर ऑफ द्वारपाला, द्वारपाला मतलब डोर गार्डियंस फ्रॉम तमिलनाडु, ये तमिलनाडु से था. ए नागराजा सरपेंट किंग मतलब सांप के राजा फ्रॉम आइदर या तो राजस्थान से था या तो एमपी से था. किससे परचेज हुआ था, ये परचेज किया था उन्होंने स्मगलर से, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वो स्मगलर है. ठीक है, हमारे ऑस्ट्रेलिया के PM कौन है, स्कॉट मॉरिसन. ठीक है, आगे चलते हैं. अब ये हम किसके अंडर ये वापस कर रहे हैं, ये ट्रीटी बता देते हैं. ट्रीटी साइन होती है, बोथ इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया आर पार्टी टू यूनेस्को 1970 कन्वेंशन ऑन द मीन्स ऑफ प्रोहिबिटिंग एंड प्रिवेंटिंग द इलिसिट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ ओनरशिप ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी. ठीक है, इसके अंडर इन्होंने वापस किया है.
नेक्स्ट, अब ये हमारे लिए ये एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, इंडिया ए मेजर, ये गोल्ड होगा, सॉरी हाँ थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, गोल्ड स्मगलिंग हब है, वो बन चुका है। किसने कहा है? इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इम्पैक्ट ने कहा है कि इंडिया सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट गोल्ड स्मगलिंग हब बन चुका है। 100,000 टन्स ऑफ गोल्ड पर ईयर स्मगल होता है, ठीक है। रिपोर्ट ने ये कहा है कि वन थर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स गोल्ड पास थ्रू इंडिया प्राइमरीली, वन थर्ड ऑफ द गोल्ड है वो पास होता है इंडिया से फ्रॉम UAE एंड रिफाइनर्स इन अफ्रीकाज ग्रेट लेक रीजन, ठीक है समझ गए। नेक्स्ट हमारा फिल्म कमली हैज क्वालिफाइड फॉर 2020 ऑस्कर अवार्ड शॉर्टलिस्ट, ठीक है। कमली जो है वो 2020 ऑस्कर अवार्ड्स के लिए शॉर्टलिस्ट हो चुकी है। ये एक लड़की है मल्लापुरम में, उसके बारे में है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो पेज 11 पे है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हैंड रिसोर्स आर इनसफिशियंट इन पुलिस स्टेशन अक्रॉस द कंट्री अकॉर्डिंग टू स्टेटस ऑफ पुलिस पॉलिसी ऑफ इंडिया। रिपोर्ट ने बताया है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इनसफिशियंट है। जो वेस्ट बंगाल है इसमें सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और जो छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड है वो सबसे बिलो एवरेज है, मतलब बिलो एवरेज है। सर्वे ने कंडक्ट किया 12,000 पुलिस पर्सनल को, कितने 21 स्टेटों में, ठीक है। जो हमारा पेज 13 में न्यूज है, लोकसभा पासेस बिल बैनिंग ई सिगरेट। लोकसभा ने बिल पास कर दिया है क्या, बैन करने के लिए ई सिगरेट को। ई सिगरेट बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था लोगों को, तो लोकसभा में ये बिल पास हो चुका है। किसने किया है? हेल्थ मिनिस्टर हमारे हर्षवर्धन जी ने लोकसभा को बताया कि यूनियन गवर्नमेंट ऐसा बैन करेगा ई सिगरेट को। क्या है इसकी पनिशमेंट? 6 month इम्प्रिजनमेंट होगी, 6 महीने की कारावास, और फाइन होगा अप टू 50,000 और बोथ, ठीक है। तो आप ई सिगरेट का यूज़ मत करिएगा। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी स्टेप आउट एट KKNPP आफ्टर साइबर अटैक। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ब्रीच हो गई है यहाँ पे KKNPP पे, जहाँ साइबर अटैक के थ्रू। क्या है KKNPP? कांडलकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये बहुत बड़ी इशू है, यहाँ अगर सिक्योरिटी ब्रीच हो जाता है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। किसने कहा? जितेंद्र सिंह, जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस पेंशन एंड PMS ऑफिस, ठीक है। पेज 14 पे जो हमारी न्यूज़ है, सात लोगों को डेथ पेनल्टी मिल गई है ढाका में, जहाँ कैफे अटैक करवाया था। जो कन्विक्टेड हैं वो किस कौन से ऑर्गेनाइजेशन से हैं? टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जमात उल मुजाहिदीन। आने वाले टाइमों में ये बहुत घटनाएं जो हो रही हैं, सारी न्यूजीलैंड में अटैक हुआ, बहुत सा हर जगह अटैक जो हो रहे हैं, इनका यही जो है कहाँ ये एक कन्विक्टेड हो रहे हैं सारे, किससे? जमात उल मुजाहिदीन से। ये टेरर ग्रुप्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। इस पे बहुत सारी काउंसिल भी अभी स्टार्ट हो चुकी है। अटैक कब हुआ था? अटैक 2016 में हुआ था, 22 लोग मर गए थे इसमें, मोस्टली फॉरनर्स थे, ठीक है। इन द साउथ एशियन नेशंस की सबसे बुरी घटना थी ये। तो हमारा है नेक्स्ट स्विट्जरलैंड के बारे में थोड़ी सी न्यूज़ थी। स्विट्जरलैंड कैपिटल क्या है? सिटी ऑफ बर्न है उसका कैपिटल। करेंसी क्या है? स्विस फ्रैंक है। प्रेसिडेंट कौन है? यूलियो मोरर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इकोनॉमिक्स न्यूज़ है, थोड़ी सी इकोनॉमिक्स की। गवर्नमेंट एक्सटेंड्स 15th फाइनेंशियल फाइनेंस पैनल टर्म, ठीक है। जो 15th फाइनेंस का है उसका पैनल टर्म को इंक्रीज कर रही है 6 साल का, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट ये वो बस इसी टर्म के लिए कर रही है, आगे आने वाले टर्म के लिए नहीं। यूनियन कैबिनेट अप्रूव द एक्सटेंशन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन, ठीक है। अब जो हमारे 15th फाइनेंस कमीशन है, कौन है? एनके सिंह है, ठीक है। 14th कौन चेयरमैन थे? डॉक्टर वाई वी रेड्डी। 13th फाइनेंस चेयरमैन कौन थे? विजय खेलकर। ये याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक है। वॉज एस्टेब्लिश्ड किसने, ये फाइनेंस कमीशन बना था बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1951 एंड कौन से आर्टिकल के अंदर? 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो अब देखते हैं, यही है हमारे एनके सिंह जी, यही है हमारे एनके सिंह जी, इनका टर्म इंक्रीज हो चुका है। अब स्पोर्ट्स देखते हैं हम।
फॉर्मर ऑस्ट्रेलिया कैप्टन जो ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर कैप्टन थे जॉर्ज बेली जी, उन्हें सेलेक्टर अपॉइंट कर लिया गया है। किसको रिप्लेस करके? ग्रेग चैपल, जो इंडिया के कोच रह चुके हैं। ठीक है, गोल्ड फॉर अभिषेक एंड ज्योति कंबाइंड सिंस 21th एशियन आर्चरी चैंपियनशिप हेल्ड इन बैंकॉक। इन दोनों को गोल्ड मेडल मिला है कहाँ? 21th एशियन की आर्चरी हुई है बैंकॉक में। ठीक है, भुवनेश्वर राउरकेला, ये राउरकेला वहीं पे है भुवनेश्वर में ही, टू होस्ट 2023 मेंस टू हॉकी वर्ल्ड कप। ये ऑर्गेनाइज कहाँ होगा? भुवनेश्वर में होगा। ठीक है, आईओ के प्रेसिडेंट, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को नवेंद्र बत्रा जी। और फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप कहाँ होगा? इंडिया में ही होगा 2020 फ्रॉम नवंबर 2 to 21। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप इसको गौर कर लीजिएगा। अब हम फोटो दिखा देते हैं नवीन पटनायक जी ने ट्रॉफी को अनवील किया हॉकी की। ठीक है, जो उड़ीसा के हमारे CMG हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं अच्छे से। अब जो हमारे लास्ट पेज की न्यूज़ है वो होती है लाइफ न्यूज़। ठीक है, लाइफ न्यूज़, ग्लोबल वार्मिंग ऑल्टर्स रेन पैटर्न। अब ये ऑर्गेनाइजेशन ने ये बोला है कि ग्लोबल वार्मिंग है वो अफेक्ट कर रहा है रेन पैटर्न को, उसी के चलते साइक्लोन आ रहे हैं, अच्छी बारिश नहीं हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग अल्टरिंग ए की वेदर सिस्टम डिक्रीजिंग रेनफॉल इन इंडिया एंड क्रिएटिंग साइक्लोन। साइक्लोन बढ़ा रहा है और बारिश की मात्रा कम कर रहा है। क्या है? मेडन जूलियन ऑक्सीलेटर, ये हमारे ज्योग्राफी का टॉपिक है। मेडन जूलियन ऑक्सीलेटर क्या है, इसका मतलब क्या होता है, कैसे क्या होता है, हम डिस्कस करते हैं। एज इट्स कॉल्ड मूविंग बैंड ऑफ रेन क्लाउड्स, मतलब ये चलता बैंड है रेन क्लाउड्स का। ठीक है, जो ट्रेवल करता है हर ग्लोब में 12,000 to 20,000 किलोमीटर अक्रॉस द ट्रॉपिकल ओशियंस पे ये इतना कवर करता है। ड्यूरिंग जनरली इट इंटरैक्ट सरफेस वाटर इन द ग्लोब पैसिफिक ओशियन में मोस्टली। मेडन जूलियन ऑक्सीलेशन लाइफ साइकिल गेट अफेक्टेड, अफेक्ट हो जा रही है लाइफ साइकिल इसकी। ठीक है, अब हम देखते हैं सिंगापुर शो ऑफ रेयर फिलिपिन रैप्टर्स। सिंगापुर ने ये देखा, एक नया निकला है फिलिपिन नाम का ईगल, 8,000 बिलीव टू, इतने 800 ही बचे हुए हैं। इसका नाम क्या है? जो मेल फिलिपिन ईगल नेम है उसका जियोथर्मिका। देख लीजिए आप कैसा है, थोड़ा सा इसका फेस ऐसा है। ठीक है, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा न्यू स्नेक स्पीसीज फाउंड इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में नई प्रजातियां स्नेक की पाई गई हैं। कहाँ पे? इन टेली वैली सेंचुरी। नेम क्या है उस सांप का? ट्रैक चिसियम एपीटी। ठीक है, उसको स्लेंडर सेक भी कहा जाता है कॉमनली। और डिस्ट्रीब्यूट कहाँ कहाँ पाया जाता है? हिमालयस में, इंडो बर्मा जो म्यांमार है आज, और इंडो चाइना रीजन में पाया जाता है। जैसे ये सांप है आप देख लीजिए जैसे, ठीक है, यही सांप मिला है। तो लास्ट में हम यही कहेंगे कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने जीवन को खुशहाल बनाते रहिए। ये एक कार्टून है, आप देख सकते हैं महाराष्ट्र की पॉलिसी, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स जो है उसी पे है। जो हमारी ये तीन चीज़ हैं, ये तीन है शिवसेना, कांग्रेस और NCP। ठीक है, और ये हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी कह सकते हैं कार्टून पे रिप्रेजेंट किया है, बोलना नहीं चाहिए लेकिन ये ऐसा रिप्रेजेंट किया है। तो आप सब लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने जीवन को खुशहाल बनाते रहिए। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।